गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्विज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल पार्ट की। इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड में कितना कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ। आप लोगों के पास 15 सेकेंड है आज, तो 15 सेकेंड में आज पहले अपना आंसर भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो अर्थ है और प्लेनेट इज अर्थ, तो उसमें 71% पर तो वाटर है और 29% पर लैंड है। तो उस 29% जो लैंड है उसमें उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। तो उनका नाम आप देख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया को ही ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स। यू हैव 15 मिनट्स। देर आर फोर ऑप्शंस, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। विच इज द लार्जेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग दीज ऑल कॉन्टिनेंट्स। देखेंगे एशिया में कम से मेरे ख्याल से 48 से 50 देश हैं इसके अंदर। सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वाला देश है वो भी एशिया में है, चाइना। उसके बाद रशिया देखेंगे जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, वो भी इंडिया एशिया में है और इंडिया भी एशिया में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग दीज। इन सब में छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? तो दीजिए अपना आंसर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे यहाँ पर 14 देश आते हैं, 14 कंट्रीज आर इन ऑस्ट्रेलिया। ये देखेंगे आप जो पूरा बीच बीच का है, ये जो पूरा बीच का है, ये सब इसका डेजर्ट है, रेगिस्तान है। जो लोग रहते हैं ये किनारे किनारे पर कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो आपको हरा हरा दिख रहा है पिक्चर में, ये सब यहाँ पर इनका पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का रहता है। वरना तो ये बीच में सब है, जितना भी है वो सब क्या है, डेजर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। इंडिया कौन से महाद्वीप में है? तो देर आर 4 ऑप्शंस, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल से इस बात के, इस क्वेश्चन का सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। ये एशिया का मैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं देर आर 48 कंट्री। तो जैसे बात करेंगे ईस्ट में, एशिया के ईस्ट में जापान है, पूरा वेस्ट में देखेंगे तो सीरिया, इजराइल, जॉर्डन है, नॉर्थ में देखेंगे रशिया और पूरा साउथ में जाएंगे तो आप इंडोनेशिया तक पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन होल कंटिनेंट्स। पूरा कंट्री कितना है, कितना टोटल देश है? ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा 195। 195 कंट्रीज आर टोटल देयर। देखेंगे आप सारे कंट्री, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें आराम से देख सकते हैं आप, हर कंट्री के बारे में आप याद कर सकते हैं। ये हो गया एशिया कॉन्टिनेंट है, ये नीचे है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया के ऊपर ये यूरोप है। उसके बाद देखेंगे, अब आते हैं कंट्रीज पर, कौन सा कंट्री छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। विच इज द बिगेस्ट कंट्री इन एरिया। एरिया में देखेंगे आप क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा कंट्री देखेंगे आप, आंसर देंगे अपना पहले कमेंट बॉक्स में, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। जो रसिया कंट्री है, जो एशिया महाद्वीप में सबसे नॉर्थ में है, ये पूरा ये रसिया है, इतना बड़ा ये एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में भी और सभी कॉन्टिनेंट में भी सबसे बड़ा कंट्री है। मगर यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ऊपर का जो रसिया है, इस लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब
आइस है यहाँ पर, बर्फ ही बर्फ है, यहाँ लोग रह नहीं सकते, इतनी ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि ये पोल के पास है, पोल के पास सनलाइट सीधे नहीं आती, तो यहाँ पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। ठीक है, इसका कुछ जनसंख्या यहाँ आसपास यूरोप के रहता है, कुछ इधर कोस्टल एरियाज में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एरिया। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है देखेंगे, तो रसिया तो हो गया लार्जेस्ट या बिगेस्ट, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा अपना वेटिकन सिटी। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन ऑल कंट्री, बहुत छोटा सा कंट्री है ये, है वेटिकन सिटी, जो इटली जो कंट्री है, इटली कंट्री का एक रोम शहर है, उसके अंदर ही ये कंट्री सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है। तो इसका टाइम जब हो गया जल्दी ही देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, ये चाइना है, इंडिया के ऊपर मैप में देखेंगे आप, ये इसका कैपिटल है, स्टार में जो दिख रहा है बीजिंग, ये इसका मेन इंपोर्टेंट शहर है, शंघाई, गुआंगझो, ये इसके आसपास वाले कंट्री हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड, सबसे कम जनसंख्या कौन से कंट्री की है वो आप बताएंगे। लीस्ट पॉपुलेटेड में आ जाएगा वही कंट्री जो एरिया में भी छोटा था, और वेटिकन सिटी और पॉपुलेशन में भी छोटा है। ठीक है, ये शहर खासकर जो ईसाई लोग होते हैं उनके धर्म गुरु, जिसको पोप बोला जाता है, पोप के यानी गिरजाघर बनाने के लिए इस देश को बसाया गया। ठीक है, इसमें पोप रहता है जो ईसाइयों का धर्म गुरु होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द बिगेस्ट स्टेट इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, कौन सा स्टेट सबसे छोटा है, तो विच इज द बिगेस्ट स्टेट आप सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये देखेंगे, ये इसका लोकेशन है इंडिया मैप पर देख सकते हैं आप। उसके बाद देखेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट देखेंगे, बिगेस्ट तो हो गया राजस्थान और स्मॉलेस्ट हो जाएगा गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी उत्तर प्रदेश राज्य की है, और सबसे कम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगी सिक्किम स्टेट की। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप कहीं से भी देख के आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आज की क्विज में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत थैंक यू।